हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले भाई, सारे विद्यार्थी कैसे हो और तैयारी आप लोगों कैसी चल रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि सभी विद्यार्थियों के बच्चे तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। और अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और मेरी रेगुलर क्लासेस कीजिए अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप सभी लोग, और मुझे फॉलो कीजिए आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। 7 बजे हिंदी की क्लास के लिए जरूर जुड़े अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, UP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी लोग हिंदी पढ़ने के लिए शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जरूर जुड़िए। किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो AB सर्टेन कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर प्रायोरिटी फॉर्म में मिलने वाली हैं। तो यहां पर भी आइकॉनिक लेने के लिए भी भैया AB सर्टेन कोड लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज, ये आज का डाउट बाय अनअकैडमी, कोई भी प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं इमेज फॉर्म में क्वेश्चन सेंड करके। प्री टेस्ट सीरीज आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं। रेज हैंड का प्रयोग जरूर किया करो जब भी आप मेरे साथ जुड़ते हो, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हो तो भैया रेज हैंड का प्रयोग जरूर किया करो। सीधे एजुकेटर से बातचीत करके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का सही तरीका क्या है, मनचाहा ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, रेफरल कोड बॉक्स में एक ही कोड लिखा ABSIR10, और ये कोड लिख करके अप्लाई पर क्लिक कर दिया, प्रोसीड टू पे कर दिया, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन। अब रिपब्लिक डे ऑफर है भाई 25 तारीख, यानी कि आज से लेकर के 27 तारीख तक अगर कोई विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन लेता है किसी भी कोर्स का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको 6 महीने का एक्सटेंशन यानी कि फ्री दिया जा रहा है। कोड लगाइए आप लोग ABSIR10, और भैया सब्सक्रिप्शन लीजिए। 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन मौका है, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़िए, GS/GK/ आलोक सर। और ये कॉम्बैट भैया संडे को होना है, 30 तारीख को, मोबाइल फोन जीत सकते हो, और ये हेडफोन और बहुत सारे वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स, ABSIR10 कोड लगा करके आप सभी लोग भैया इसमें इनरोलमेंट कर लेना, फ्री में इनरोलमेंट होगा। पहला सवाल है, राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? फटाफट आंसर कीजिए भाई, शेयर कर दोगे आंसर करोगे। कैसे हो बच्चे? अमित यादव, जनक भंडारी, तनीसा और मुर्मू, अनिल कुमार, अब्दुल, सारे लोग आंसर करते रहेंगे, फटाफट आंसर कीजिएगा भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, राष्ट्रगुरु पूछा गया है, राष्ट्रगुरु के नाम से हम लोग कहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ठीक। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटिन सिरियोल ने कहा है ये तो भैया भारतीय अशांति के जनक है, भारतीय अशांति के जनक भी वैलेंटिन सिरोल ने तिलक के बारे में कहा है। तिलक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं। तिलक के 2 पत्र हैं, एक केसरी है, दूसरा मराठा है, याद रखना है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया था, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्हीं के सुझाव पर कांग्रेस नाम रखा गया था, याद रखना है, ठीक है भाई, याद रहेगा, क्लियर है सारे लोगों को? काय का रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हो भाई, मिस्टर जय काय का रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हो। अगला सवाल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बोलोगे भाई फास्ट? हाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बढ़िया तनिषा, बहुत शानदार, आंसर करते रहिए भाई सारे लोग। देखो यार, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा गया है तो ये आपका हो जाता है 24 अप्रैल, और एक और याद रखिएगा 22 अप्रैल अगर कभी पूछा जाएगा तो 22 अप्रैल भैया ये विश्व पृथ्वी दिवस होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है,
2003 में आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली या संथाली कोंकणी। देखो तो जब भी भाषाओं की बात करते हैं हम लोग, तो भाषाओं की बात करते हैं तो कहते हैं यार आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं में जो आपकी 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई वो सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई, फिर 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS। तब यहां पर देखो 2003 में हुआ है ये कौन सा 92, इसी के बारे में पूछा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो देखो बोडो हमको मिल गया, संथाली मिल गया, यहां पर कहीं पर कोई ना डोगरी है ना मैथिली है, इनको सबको हटा दो। तो आंसर क्या हो गया यार? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सबको? एक बार बता दोगे भाई कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, और इनके नाम पर एक देश में चौराहे का नाम रखा गया है पोलैंड में। अब पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। ठीक है, डीसी बोलते हैं इसको, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ठीक है, अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो होंसू कह सकते हो, कैपिटल टोक्यो है। रसिया, व्लादिमीर पुतिन 2036 तक वहां पर प्रेसिडेंट बने रहेंगे। एरिया में नंबर वन है, लिंगानुपात में नंबर वन कंट्री रसिया हो जाता है। अगला सवाल, खीरगंगा नेशनल पार्क भैया कहाँ है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या हिमाचल प्रदेश? फटाफट आंसर करते रहिए सारे विद्यार्थी, तेजी से, बेहतरीन तरीके से बोलोगे भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। आंसर करोगे भैया? देखो बहुत बढ़िया सवाल है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कह दिया हमारे यहाँ COVID-19 का जो टीकाकरण है वो 100% हो गया। उसने कहा हमारे यहाँ LPG कनेक्शन सबको 100% हो गए। ये दो चीजें याद रखोगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर हींग की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान है, आलू अनुसंधान संस्थान भी है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। ठीक है, एक बजरंग बली जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश में जाखू मंदिर। जब बजरंग बली जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो वहां पर पैर रखा था, काफी हाइट पे है, मैं देख के आया हूँ, आप लोग भी जाइए देखिएगा, बड़ा शानदार है यार। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, इसका पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और कैपिटल ईटानगर है। और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है तो आप कहोगे यार ईटानगर में। ठीक है, और जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, 8 राज्य है ना, कौन कौन से? देखो ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे इस तरीके से आपका थोड़ा सा ये फिगर बनता है नॉर्थ ईस्ट का। तो इस नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हैं। ये सिक्किम आपको अंगूठे की जैसी आकर दिखती है, सिक्किम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, बाकी सारे 7 सिस्टर्स के पार्ट हैं। और इन आठों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये हिमाचल प्रदेश ही, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इन आठों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश है। असम का बॉर्डर 7 स्टेट्स के साथ स्पर्श करता है। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? फटाफट आंसर करोगे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बच्चे कहां पर स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा? भैया सारे लोग शेयर जरूर कर देंगे, मिस्टर अजय, मनोज, शिवम, तनीषा, जितने लोग हैं शेयर जरूर कर दिया करो सेशन को अधिक से अधिक, तो और आनंद आएगा भाई। फटाफट आंसर करोगे? देखो बहुत बढ़िया सवाल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो आपका स्थित है जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, याद रहेगा जबलपुर के बारे में। इंदौर की बात करेंगे, इसको मिनी बॉम्बे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? मिनी बॉम्बे के बारे में इसको हम लोग कहते हैं, मिनी बॉम्बे है भाई इंदौर। ठीक है, याद रहेगा। इंदौर की अगर और हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर है खजराना, बड़ा प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा भाई। दूसरी चीज, ग्वालियर, ग्वालियर के कौन है भैया? सिंधिया। मैंने एक दिन आपको पूरा बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ।
ग्वालियर के सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ हैं, पूना के पेशवा हैं, नागपुर के भोसले हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया। याद रहेगा भाई? हाँ या ना? भोपाल बेतवा नदी के किनारे हैं, भारत भवन यहीं पर स्थित है, भोज सागर ताल यहीं पर स्थित है, यहाँ के हवाई अड्डे के नाम राजा भोजाबाई अड्डा है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूपीयू। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर भैया बर्न, और बर्न कहाँ की राजधानी है? यह स्विट्जरलैंड की, ये आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका किस नदी के किनारे है? हडसन। और यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। वाशिंगटन डीसी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आ जाता है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर आ जाता है, सब वाशिंगटन डीसी हो जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा? बिल्कुल भाई मनोज कुमार, एकदम हाँ बिल्कुल। कल भाई देखो वो जो हुआ है ना, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल मैंने देखा था भाई, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल भाई आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? फटाफट आंसर करोगे भाई, ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, JNK, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? देखो गंगोत्री नेशनल पार्क कभी भी पूछा जाएगा, आप कहोगे यार उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यार गैरसैंण है, उत्तराखंड की मुख्य राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड में अगर और हम बात करें तो देखो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब। ठीक है, और याद रखोगे सम्राट अशोक से एक जुड़ी जगह है कालसी, ये भी भैया उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग राजा जी नेशनल पार्क कह सकते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कह सकते हो, सब यार उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है भाई, याद रहेगा? और महाराष्ट्र में अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक शुगर मिल है, और अगर महाराष्ट्र में पूछा जाएगा सबसे अधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में हैं, छत्तीसगढ़ MP से बन के कट के बना है, 1 नवंबर को सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की तरफ आ गए, वाईजाम के नाम से किसको जानते हैं? वाईजाम, फटाफट आंसर करोगे भाई, वाईजाम के नाम से किसको जानते हैं? क्या सही उत्तर होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करते रहिए भाई। वाईजाम के नाम से प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा आंसर? तेजी से आंसर करोगे, वाईजाम के नाम से किसको जाना जाता है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखो वाईजाम के नाम से अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा भाई आपका आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम को जाना जाता है। किसको? विशाखापत्तनम को। ठीक है भाई, याद रहेगा? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, इसको भारत का हाईटेक सिटी कहते हैं। अगला सवाल, कंबोडिया में प्रसिद्ध हिंदू अंकोरवाट मंदिर का निर्माण हुआ है, ये किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को, शिव को, या ब्रह्मा को, या कृष्ण को? देखो यार बहुत बढ़िया, सारे मंदिर हैं, सारे भगवान हैं। हम लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, 33 कोटि। ठीक है, ये मानते हैं सभी, जब हम पूजा करते हैं तो एक, जब आप इतिहास में यूपीएससी वाले बच्चे जरूर जानते होंगे, एक वर्ड है हीनोथिज्म, एक वर्ड है हीनोथिज्म, यूपीएससी वाले विद्यार्थी जरूर जानते होंगे, खासकर इतिहास विषय वाले। हीनोथिज्म मतलब होता है जब कोई पूरक किसी भगवान की पूजा करता है तो उस विशेष समय में उस इस भगवान में जिनकी वो पूजा कर रहा है 33 करोड़ देवताओं का समावेश मानता है, दिस इज कॉल्ड हीनोथिज्म। समझ गया ना मेरी बात? तो याद रखिएगा भगवान सब एक ही है। अंकोरवाट जो है ये समर्पित है, हालांकि मंदिर अलग अलग बने होते हैं, विष्णु भगवान को। ठीक है, विष्णु को। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत में, वो कहाँ है? पुष्कर में। कहाँ है भाई? पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भारत। अगला सवाल है, विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? कालिदास, मेघस्तनीज, हर्ष, या बिल्लड़? विक्रमांक देव चरित के भैया लेखक कौन है, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भाई सारे लोग। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? देखो भैया बहुत बढ़िया सवाल है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा। विक्रमांक देव चरित के लेखक बिल्लड़ है। ठीक है, हर्ष की रचनाएं PNR याद रखना है, पी से क्या हो जाती है? प्रिय दर्शिका, एक रचना है।
एन से कौन सी हो जाती है, नागानंद रचना है, और आर से हो जाती है रत्नावली रचना, यह हर्ष की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचनाएं, इनको हम लोग कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। इनकी मेघदूतम, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम सब कालिदास की। मेघस्थनीज की एक रचना है इंडिका, कौन सी है भैया, इंडिका, ये भैया मेघस्थनीज साहब की रचना है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के ध्वज को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, जो इंडियन फ्लैग है उसको किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, 1909, 1929, 1931, 1916, क्या आंसर होगा भाई, फटाफट से आंसर करोगे। जैन भैया कैसे हो, धीरज, मिस्टर जय, अब्दुल, सारे लोग कैसे हो यार। देखो यार 11 बजे मेरा क्लास डेली होता है और मैं देखता हूँ किसी दिन विद्यार्थी एकदम नाराज होते हैं, क्या कारण है, 11 बजे भैया लाइव रहते हैं डेली, तो आप लोग डेली 11 बजे जुड़ा करो। यहाँ केवल फ्राइडे को जो 11 बजे वाला जो फ्राइडे का क्लास है वो 3 बजे होता है, फ्राइडे के दिन 3 बजे, बाकी सभी दिन आपको 11 बजे हम वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पर यहाँ पर लाइव रहते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 को कराची अधिवेशन, और ये जो कराची में अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वल्लभ भाई पटेल साहब। इस अधिवेशन में गांधी जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी, वो आज एकदम रिलेवेंट है। गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधीवाद अब एक विचारधारा बन चुकी है, उस समय गांधी जी ने ये बात कह दी थी। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार हुआ है, 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, और लाहौर में जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। 1916 में लखनऊ समझौता होता है, क्योंकि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तनीषा क्लियर हो गया, बोलोगे भाई, मनोज, चंदन, राजन, एक बार सारे लोग बता देंगे भैया, क्लियर है ना, जय। अगला सवाल है, दो स्टेटमेंट हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बदरुद्दीन बेब थे, इनमें से कौन सा सही है, आंसर कीजिएगा भाई। क्या किसके बीच होता है, बोलिए भाई फास्ट। देखो यार, पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, बिल्कुल गलत, एनी बेसेंट थी। अगर यहां पर लिखा होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू तो सही होता, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बदरुद्दीन बेब, बिल्कुल गलत, पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में अध्यक्ष होते हैं, तो ना एक सही ना दो सही, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, अगला सवाल है, सुकर इन्फ्लुएंजा किसे कहते हैं, एड्स को, बर्ड फ्लू को, डेंगू को, या स्वाइन फ्लू को, सुकर इन्फ्लुएंजा ये किसे कहा गया है। देखो यार बड़ा बढ़िया सवाल है, एड्स का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरोमेंट एसे, ठीक है, इसके वायरस का नाम है HIV। ठीक है, वर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, और स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1, और डेंगू को हम लोग बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर डेंगू को बोला जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, सुकर इन्फ्लुएंजा क्या है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलहेम मैक्सिमिलियन वुंड कोनेप, ये किस शाखा के जनक हैं, कैस्नियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, क्या होगा भाई आंसर, फटाफट आंसर कीजिएगा सारे लोग तेजी से भैया, लाइक और शेयर जरूर कर जाइएगा सभी विद्यार्थी। देखो ये समाज शास्त्र के, समाज विज्ञान के जनक तो हम लोग जानते हैं, समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कांटे हैं, मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंड कोनेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नचिकेता और यम के बीच में संवाद कौन से उपनिषद में दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में,
कठोपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में? बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखो यार, जब भी कभी उपनिषद की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? उपनिषद की। तो उपनिषद जो है ये आपका किसका विषय है? दर्शन। किससे संबंधित है तो पूछा जाएगा, तो हम लोग कहते हैं दर्शन। कितने हैं टोटल? 108, लेकिन प्राप्त कितने हैं? 12। ये भी याद रखोगे, ठीक है। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहोगे यार वेदांत उपनिषद का दूसरा नाम है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है। यम नचिकेता के बीच में संवाद कठोपनिषद में है। कृष्ण का उल्लेख, अगर कभी पूछा जाएगा यार कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो आप कहोगे छांदोग्य उपनिषद में है। अगर पूछा जाएगा गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बताता है कि अशोक श्रीनगर द्वारा, जो श्रीनगर है वो अशोक द्वारा बनवाया गया था, श्रीनगर अशोक द्वारा बनवाया गया था, ऐसी जानकारी हमको कहां से मिलती है? बोलोगे भाई, देखो बड़ा मस्त सवाल है। ये जो जानकारी मिलती है ये हमको मिलती है राज तरंगिणी, कल्लड़ ने लिखी थी ये, कश्मीर का इतिहास बताती है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस ने, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने दोनों सवाल पूछा था कि राज तरंगिणी कब लिखी गई, किस शताब्दी में? 12वीं में, याद रखिएगा। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है, याद रखिएगा। दस कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी, ठीक है। और योग सूत्र के भी भैया पतंजलि है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्धमान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया? वर्धमान ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया? कुंडग्राम में, पावापुरी में, जुम्बिक ग्राम में, सारनाथ में? फटाफट आंसर करोगे? देखो एक हाशिया खींचो, इधर लिख दो बुद्ध बाबा, इधर लिख दो जैन बाबा। बुद्ध बाबा का जन्म कहां हुआ है? लुम्बिनी में। और जैन बाबा का जन्म कहां हुआ है? कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम, ठीक है। बुद्ध बाबा ने घर छोड़ा है 29 वर्ष में, जैन बाबा में घर छोड़ा है 30 वर्ष में। बुद्ध बाबा ने तपस्या की है 12 साल, बुद्ध बाबा ने तपस्या की है 6 साल, 6 साल, और जैन बाबा ने तपस्या की है 12 साल, ठीक है। बुद्ध बाबा को किस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला है? तो पीपल। किस नदी के किनारे ज्ञान मिला है? तो निरंजना। कितने वर्ष में ज्ञान मिला है? 35 वर्ष में। जैन बाबा को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? साल। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो याद रखिएगा ऋजुपालिका, ठीक है। कितने वर्ष में? तो 42 में, क्योंकि ये 12 साल तपस्या करते हैं। बात समझ में आ गई भैया? तो आत्मज्ञान कहां पर मिला है? ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल के वृक्ष के नीचे, जुम्भिक ग्राम के समीप। तो आंसर क्या हो गया? जुम्भिक ग्राम। और जन्म महावीर स्वामी कहां हुआ? कुंडग्राम में। मृत्यु महावीर स्वामी की कहां हुई? पावापुरी में। और पहला बुद्ध ने उपदेश कहां दिया? ऋषिपत्तन सारनाथ में, ठीक है भाई, याद है भाई सारे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बना था? देखो भाई, ये जो फेस आइडेंटिफिकेशन वाला बना था, बायोमेट्रिक वाला, ये भैया सिंगापुर। सिंगापुर सिटी यहां की कैपिटल है और एशिया में सबसे नगरीकृत देश है, सब टेक्नोलॉजी में सबसे पहले अडॉप्ट करता है अभी। अगला सवाल है, अल्बानिया में किस दिन को मदर टेरेसा दिवस के रूप में मनाते हैं? अल्बानिया में कौन से दिन को मदर टेरेसा दिवस के रूप में मनाते हैं? देखो भैया बहुत बढ़िया सवाल है यार, अल्बानिया राजधानी क्या है? तिराना। और अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ है, जो मदर टेरेसा का जन्म हुआ है वो अल्बानिया, ठीक है। और वहां पर 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा दिवस मनाते हैं। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज, 1980 में भारत रत्न, मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1950 में, ठीक है भाई।
24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिवस। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिवस होता है किसान दिवस के रूप में। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पुलिस स्मरण दिवस कब मनाते हैं? पुलिस रिमेम्बरेंस डे, स्मृति दिवस हम लोग कब मनाते हैं, क्या हो जाएगा? देखो पुलिस रिमेम्बरेंस डे की बात करेंगे 21 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है ये भी आपका 1 अक्टूबर। अगला सवाल है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 7 अगस्त 20 अगस्त 1 अगस्त 18 जनवरी, क्या आंसर होगा भाई? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भैया 20 अगस्त, 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मंडेला दिवस, 7 अगस्त को यार दो दिवस होते हैं, एक तो नीरज चोपड़ा साहब ने गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, तो उसका नाम रख दिया गया 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा? हथकरघा दिवस, जिसको नेशनल हैंडलूम डे बोलते हैं, दो मनाए जाते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राज्य कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राज्य, देखो दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राज्य पूछा जाएगा राजस्थान, नंबर एक पर अफीम उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में भी भाई नंबर वन पर कौन सा है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फोलिक एसिड कौन सा है इनमें से? फोलिक एसिड, देखो ऐसे याद करोगे, विटामिन बी जो विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स 8 भाग में है, ऐसे याद करो। B1 थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबलामिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए भैया? 8 हो गए, बी कॉम्प्लेक्स से पार्ट, जिसमें फोलिक एसिड विटामिन B9 फोलिक एसिड है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हमने बताया B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबलामिन। ठीक है, याद रहेगा भाई। एक मैंने एक दिन पूछा था विटामिन एच के नाम से किसको जाना जाता था, एक सवाल एक दिन मैंने पूछा था विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता था, इनमें से बताओ भाई विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता था, बोलो भाई। मधु वर्मा, इंडिया की आवाज, छोटू कुमार, तनीषा, बताओगे भाई विटामिन एच के नाम से किसको जाना जाता था? आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो रीट का एग्जाम भी दे रहे हो, रीट का भी एग्जाम दे रहे हो, या राजस्थान का पुलिस का भी एग्जाम दे रहे हो, कितने लोग हो ऐसे, जल्दी से बता दो। आप में से है कोई रीट का एग्जाम देने वाला, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहा हो? इसका सही उत्तर तो विटामिन एच वाला अगर पूछा जाएगा किसको जाना जाता था, B7 बायोटीन। शिव नडार का संबंध किस कंपनी से है? शिव नडार का संबंध किस कंपनी से है? रिलायंस, TCS, HCL, इंफोसिस। देखो जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ा करो, शाम को 7 बजे हिंदी की, कहां पर? अन अकेडमी लर्नर है, फ्री क्लास है। ठीक है, तो फ्री क्लास है भैया, अन अकेडमी लर्नर है पर हिंदी के लिए शाम को 7। ठीक है भाई, आप लोग जरूर जुड़ जाया करोगे, बिल्कुल सही है। शिव नडार का हो जाता है HCL, TCS थोड़े हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल और खिलाड़ियों की संख्या का सही समूह नहीं है? आइस हॉकी के सामने 6 लिखा हुआ, बेसबॉल के सामने 9, बास्केटबॉल के सामने 6, चेस के सामने 1। देखो यार, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, तो यही आपका मिसमैच है। ठीक है, अगला सवाल,
यूएसएसआर की सहायता से बोकारो इस्पात उद्योग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? बोलोगे मुकेश? बोलोगे भाई फास्ट? आप कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। वहां प्रायोरिटी वाला कॉलम रहता है, वहां पे कर सकते हो। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात उद्योग की स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई थी। यूटीआई की स्थापना भी इसी में की गई है। एफसीआई की स्थापना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। तीनों। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बना है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वो छठी पंचवर्षीय योजना में। एक्सिम बैंक जो बना है वो भी छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य किसका मूल नाम था? एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? क्या सही उत्तर होगा भाई, बोलिए सारे लोग। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य किसका मूल नाम था? मानवेंद्र नाथ राय का, या जयप्रकाश नारायण जी का, या जवाहरलाल नेहरू जी का, या सुभाष चंद्र बोस का? क्या आंसर होगा भैया इसका? बेहतरीन सवाल है। देखो जब भी ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में पूछा जाता है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, तो ये एम एन राय का नाम था। अगर नरेंद्र नाथ दत्त पूछा जाएगा तो विवेकानंद का। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका है। ठीक है भाई। दूसरी चीज, सुभाष चंद्र बोस को हम लोग देशनायक कहते हैं। देशनायक कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सुभाष बाबू की बात आई है तो 23 जनवरी को अब मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। सुभाष बाबू कांग्रेस के दो अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, हरिपुरा त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु के बारे में संदेह माना जाता है, इनकी मृत्यु अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की। तो बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि कल पराक्रम दिवस मनाया गया था 23 जनवरी को परसों, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। दांत क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में अधिकांश क्या मिलाते हैं? फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, क्या होगा? लोकनायक, जेपी का निकनेम है लोकनायक। ठीक है जय, अभी कल होलोग्राम प्रतिमा वहां पर इंडिया गेट पर स्थापित हुई है। अभी बन रही प्रतिमा जब स्थापित हो जाएगी वहां पर लगा दी जाएगी उसको हटा करके डिजिटल वाले। इसका आंसर करोगे भाई, दांत क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है अधिकांशता? टूथपेस्ट में अधिकांशता बच्चे क्या मिलाया जाता है, एक बार आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी लोग आंसर करते रहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सभी लोग आंसर करते रहिए। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, कभी भी पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा। तो ये फ्लोराइड को मिलाते हैं दांत क्षय को रोकने के लिए, ये फ्लोराइड को मिलाते हैं। इसको मिलाते हैं, फ्लोराइड को मिलाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आंसर दीजिए आप सभी लोग जल्दी से, फास्ट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर करोगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, तेजी से आंसर करोगे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा फास्ट।
आंसर कीजिएगा भाई इसका। देखो दिल्ली वाला जो सिक्का था वो बच्चे मोहम्मद गोरी का था। किसका था दिल्ली वाला सिक्का? ये मोहम्मद गोरी का था। ये आपको बच्चे याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये भी आपका किसका नाम था? मोहम्मद गोरी का नाम था, सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और लक्ष्मी आकृत के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। अकबर का एक सिक्का था जलाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कारण क्या है? चौकोर था, चांदी का था। बहलोल लोधी का एक सिक्का था बहलोली। अच्छा यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह अकबर के समय तक विनिमय का साधन रहा। फिरोज शाह तुगलक के दो सिक्के हैं, एक आपको याद रखना है अद्दा है और दूसरा बिक है। ये फिरोज शाह तुगलक के सिक्के हैं, ठीक है भैया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखो राज्यपाल जो है इनमें से भाई इसकी इनकी नियुक्ति करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पर महाधिवक्ता अगर पूछा जाएगा, आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 165 आर्टिकल है। अगला सवाल है, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस, ये किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह, अरुंधती राय, सलमान रुश्दी या लालकृष्ण आडवाणी? क्या आंसर होगा भैया? आंसर करोगे भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह, ठीक है। सलमान रुश्दी का पूछा जाएगा तो एक इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रुश्दी की रचना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताओगे भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए बोलिए। अनिल, मनोज, रूपेश, सारे लोग आंसर करते रहिए भाई, बढ़िया से आंसर करते रहिए सभी लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा विदेशिया। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का। रसीला गुजरात का है, कृष्णावतारम केरल का है, कोट्टम आंध्र प्रदेश का डांस है, लेकिन विदेशिया बिहार का है। हार्नविल त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम? हार्नविल फेस्टिवल, फटाफट आंसर करोगे भैया? हार्नविल फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? बोलोगे भैया रणधीर कुमार, इंडियन लवर्स, मनोज सोलंकी, सारे लोग आंसर करते रहिएगा। और जो हार्नविल त्यौहार भैया मनाते हैं नागालैंड में, नागालैंड की राजभाषा भाई अंग्रेजी है, राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल हो जाती है, तमिलनाडु की चेन्नई हो जाती है, मिजोरम की आइजोल राजधानी हो जाती है, याद रखना है। केबुल नामझाओ कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। डम्फा कहाँ है? मिजोरम में है। और तमिलनाडु की पूछा जाएगा कैपिटल चेन्नई है, जिसका नाम पहले मद्रास था, ठीक है। हार्नविल त्यौहार जो है वो लगभग 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, इसे त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, भारत के अलावा किन दो देशों में तमिल एक आधिकारिक भाषा के रूप में बोली जाती है? देखो यार, सिंगापुर में है क्या तमिल? मॉरिशस में क्या तमिल है? क्या मलेशिया में तमिल है? याद रखिएगा दो ऐसे देश हैं, एक सिंगापुर है, दूसरा श्रीलंका है, ठीक है। वहां पर तमिल बोली जाती है, यहाँ पर भोजपुरी चलती है, भोजपुरिया बहुत है मॉरिशस में, प्रधानमंत्री मॉरिशस के बहुत सारे भोजपुरी रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, याद रखना है।
इंडोनेशिया की बात करेंगे, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश अगर कोई है विश्व में तो इंडोनेशिया है। अगला सवाल है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? देखो भाई, बौद्ध साहित्य अभिधम्म पिटक लिखा हुआ है, वैदिक साहित्य अभिधम्म पिटक बिल्कुल गलत है, अभिधम्म पिटक बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य तोल काप्यम बिल्कुल गलत है, तोल काप्यम तमिल साहित्य है। जैन साहित्य पुरुषतुक्त बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या हो जाएगा, पुरुषतुक्त भैया वैदिक साहित्य है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल, कोई भी सुमेलित नहीं है। बात समझ में आ गई भाई, ये क्लियर हो गया ना सबको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो मैंने लिख दिया वैदिक साहित्य पुरुष सूक्त, वैदिक साहित्य बेसिकली ये जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वां मंडल है, और इसमें पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलपुत्तिस ने की है, तीन पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें अभिधम्म पिटक की रचना मोगलपुत्तिस ने की है। ठीक है, अगला सवाल है, कल्लड़ की राजतरंगिणी भाई किस शताब्दी में लिखी गई? अभी हमने एक प्रश्न के व्याख्या के दौरान बताया 12वीं शताब्दी पूछा गया है, मैंने बताया था यूपी और छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है। ठीक है, अगला सवाल है, बांग्लादेश में कौन सी एक प्रमुख भाषा नहीं है? गारो, खासिया, माग, मैथिली। बांग्लादेश में कौन सी प्रमुख भाषा नहीं है? देखो भैया, बांग्लादेश में अगर पूछा जाए कि भाई प्रमुख भाषा नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हो बांग्लादेश में मैथिली जो है वो प्रमुख भाषा नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों चलती है। सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल का आधार कब बनाया गया? देखो, आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, सारे लोग इस बात को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, पहले तीन कंडीशन थी, युद्ध की आशंका हो, बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो, आंतरिक अशांति हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन, ये जो आंतरिक अशांति है इसको 44वें संविधान संशोधन से समाप्त करके इसके स्थान पर ले आया गया क्या, सशस्त्र विद्रोह को। और ये 44वां संविधान संशोधन से हुआ कब है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो उत्तर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 1978। पूरा ये समझ लिया ना, मेन ये है, तुम लोग फट से उत्तर पे ही आ जाते हो यार। देखो, यहां से क्वेश्चन मिलने के मुकाबले यहां जब समझोगे बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है? गेहूं, आलू, मक्का या तिल का तेल? जो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है वो कौन सा है? देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख स्रोत नहीं है वो बच्चे हो जाता है तिल का तेल, बाकी तीनों है। विभाजन के साथ शांति बमाना, ये भाई किसने लिखी है, ये हिंदी में कह सकते हो वैसे, मेकिंग पीस विद पार्टीशियन ये किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया, राधा कुमार, विनोदिनी राय, सुषमा सेठ या सुशीला कार्की? मेकिंग पीस विद पार्टीशियन ये राधा कुमार की, डॉक्टर राधा कुमार की किताब का नाम है। गंभीरा किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। गंभीरा कहाँ का लोक नृत्य है भैया? गंभीरा बच्चे कहाँ का लोक नृत्य है, एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे? देखो, गंभीरा अगर पूछा जाएगा तो गंभीरा आपका जो लोक नृत्य हो जाता है वो यार वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब याद रखिएगा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जलदा पारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, सब कहां पर हो जाते हैं यार? ये सारे के सारे वेस्ट बंगाल में हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी के सभी वेस्ट बंगाल में होते हैं। लुड्डी डांस कहाँ है? हरियाणा का है। विदेशिया, जट जाटिन, नट नाटिन सब बिहार के हैं। राजस्थान के पूछे जाएंगे, कालबेलिया है, घूमर है, तेरा ताली है, सब राजस्थान के हो जाते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा, राजस्थान वाले विद्यार्थी ज्यादा जुड़ते हो हमारे साथ यहाँ पर। क्यों, कितने लोग राजस्थान से हैं जरा एक बार बताओगे भाई?
कितने विद्यार्थी राजस्थान से जुड़े हुए हैं बता दोगे विद्यार्थियों? हरियाणा के किस शहर को विज्ञान नगर के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर विज्ञान नगर है और हम लोग कहते हैं उसको मिक्सी इंडस्ट्री, मिक्सी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है अंबाला। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत प्रसिद्ध लीडर थी सुषमा स्वराज जी, वो यहीं से बिलोंग करती थी। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रहती हैं, याद रखना है। गुरुग्राम जिसका नाम पहले गुड़गांव था, याद रखना है। सिरसा भी भैया ये हरियाणा में स्थित है, यमुनानगर हरियाणा में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक 31 राज्यों का और एक संघीय जिला और राजधानी भी शामिल है किस फेडरेशन में? मैक्सिको, इटली, थाईलैंड या इंडोनेशिया? क्या सही आंसर होगा? मैक्सिको, इटली, थाईलैंड या इंडोनेशिया, क्या प्रश्न का उत्तर होना चाहिए? देखो कभी भी पूछा जाए आप इजीली बताओगे यार, यह है आपका मैक्सिको, जिसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, ठीक है। अगला सवाल है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना नालको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं नालको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या न्यू दिल्ली? बिल्कुल भाई, एयरबेस भी एकदम सही है, और नालको का हेडक्वार्टर अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो यार ये भुवनेश्वर है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, यहीं तक रखते हैं। अब देखो यार सभी लोग इनरोलमेंट कर लेना भैया, ये बड़ा जबरदस्त मौका है तुम लोगों के लिए, मोबाइल फोन भी जीत सकते हो और एक JBL हेडफोन भी जीत सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये देखोगे बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी हैं भाई। तो आपको 30 तारीख को एक टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट में इनरोलमेंट भैया सब लोग कर लो यार, इनरोलमेंट जल्दी से करोगे, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। ABSIR10 कोड लगा लीजिएगा, फ्री में इनरोलमेंट होगा। कितने लोग इसमें इनरोलमेंट करके भैया प्राइज जीतेंगे? 30 तारीख को 12 बजे 60 मिनट में 60 प्रश्न का उत्तर दीजिए, और आपके प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएंगे भाषाओं में। ऐसा मत सोचना यार केवल अंग्रेजी में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज, जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, आज से देखो आपका डिस्काउंट ऑफर शुरू हो गया 25 तारीख से। और डिस्काउंट क्या है देखो, कुछ लोग कहते हैं सर डिस्काउंट, 6 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे केवल 1 साल और उससे ऊपर के, ऐसा मत सोचना 6 महीने का लोगे तो 1 साल का मिल जाएगा, 1 साल का लोगे तो आपको 1.5 साल का मिलेगा, 2 साल का लोगे तो आपको 2.5 साल का मिलेगा, मेरी बात समझ में आ गई। और ये तो मिल ही रहा है, इसके अलावा आप हमारा कोड लगाओ ABSIR10 कोड लगाओ, इससे डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये सभी के ऊपर है एप्लीकेबल, हर कैटेगरी के ऊपर है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन भैया लेने वाले हैं, हमारा कोड मैं बड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, ऐसे लिखोगे कैपिटल लेटर में ABSIR10 बगैर किसी स्पेस के, रेफरल कोड बॉक्स में लिख करके अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है भैया, याद रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये रिपोर्ट एंड विन आप लोग देख ही सकते हैं। और भैया देखो सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और हिंदी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, शाम को 7 बजे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जरूर जुड़िए, मैं अपनी हिंदी की क्लास का लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और कॉम्बैट का लिंक दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा। कॉम्बैट में भी ABSIR10 कोड लगा करके इनरोलमेंट जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।